Hey guys, this is me Pradeep Saini and welcome back in my YouTube channel and click Saran Preparation. सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से रिकनेक्ट हो रहा हूँ, बिकॉज अमेरिका में मुझे आए हुए यहाँ पे अभी एक साल ही हुआ है एंड आई एम जस्ट लाइक अ न्यू बोर्न बेबी हेयर बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग. Now everything is well set. I'm working in UC Health, 5 days working, 10-hour shift. Schedule is very, very busy nowadays in orthopedic department. 5 days working, 10-hour shift. So it's really hard to take out of time to make a video on every weekend. Now it's a really, really hard to give a reply on every comment. I'll try my level best to working with you guys on bi-weekly basis, which means I'm gonna give you update and I'm gonna give you video on bi-weekly basis, which means 2 वीडियो इन अ मंथ मैं आप लोगों को देता रहूंगा. बीच बीच में मैं आप लोगों से लाइव होके आप लोगों से बातें भी करता रहूंगा जब भी मुझे टाइम लगा करेगा, बिकॉज हर एक सिंगल कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई देना मेरे लिए पॉसिबल सा नहीं है. सो लाइव होके आप लोगों को डाउट क्लियर करना, दैट गोना बी वेरी इजी वे फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर मी. सो आई पर्सनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. So once I get the chance to live on YouTube and to upload a video for you guys, कि आप लोगों को उसकी notification सबसे पहले मिल जाए और आप लोग उसके बाद मुझसे बात कर सकें direct face to face rather than on commenting. So in this video we will discuss about the NCLEX-RN, LPN, LVN and after all when you get the license from the NCLEX board and NCSBN board. So NCLEX के बाद क्या क्या स्कोप हैं लाइसेंस मिलने के बाद, वो सारा हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ योर जर्नी फॉर NCLEX-RN एग्जामिनेशन. एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करूं. मोस्टली मैं डाउट आप लोगों के क्लियर कर सकूं इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बिफोर स्टार्ट द टॉपिक अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने कॉलेज मेट, अपने क्लासमेट, अपने जूनियर, अपने सीनियर, सभी के साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए. सो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक. डायरेक्टली यू कैन कम ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है इस वीडियो में कि NCLEX है क्या चीज है, वट इज द NCLEX-RN एग्जामिनेशन. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टोटल प्रोसेस एंड पेपर वर्क अबाउट द NCLEX-RN LPN, LVN examination from the beginning to till once you get the license. Moreover, इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चन एंड डाउट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जो अभी इस टाइम आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं. Like जैसे NCLEX है क्या है, what is the NCLEX-RN examination? जैसे कि what is NCLEX? NCLEX है क्या है, who are the eligible for NCLEX exam? Exam के लिए कौन कौन eligible हैं, documentation required फॉर द पर्पज ऑफ इनिशिएशन, जैसे कि इस कोर्स के लिए आपको इस लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हाउ मैनी कंट्री एक्सेप्टिंग दिस लाइसेंस, RN एग्जाम के बाद जो लाइसेंस है वो कौन कौन सी कंट्रियाँ एक्सेप्ट कर रही हैं, बेसिक स्टेप फॉर न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग एंड न्यू मैक्सिको बोर्ड ऑफ नर्सिंग बेसिक स्टेप क्या है, और क्या क्या आपको इसके लिए टेस्ट देने पड़ सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, जैसे चाइल्ड अब्यूज एंड इन्फेक्शन कंट्रोल है, ओस्की फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. एंड टाइम टेकन बाय बोर्ड टिल ATT, विच मीन्स कि आपको इस सारे प्रोसेस एंड पेपर वर्क में कितना टाइम लगेगा जब आप पेपर वर्क शुरू करोगे और जब तक आपकी ATT नहीं आती. ATT होता है ऑथराइजेशन टू टेस्ट, कि आप एलिजिबल हो अभी टेस्ट देने के लिए, एग्जाम देने के लिए. 8 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आंसर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फाइनल एग्जाम में 8 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं. इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर आते हैं, मेंटेनेंस के ऊपर आते हैं, हेल्थ प्रमोशन के ऊपर आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद है 6 आवर का एग्जाम होता है, ये सारे मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. पासिंग क्राइटेरिया कैसे होता है, 15 क्वेश्चन इसमें डमी आते हैं मैम, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. मिनिमम क्वेश्चन 75 आते हैं, मैक्सिमम आपको 265 क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, साटा क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक हॉटस्पॉट क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन वन क्वेश्चन एंड रैशनल ईच कैटेगरी के, जो 8 कैटेगरी के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और डिटेल में मैं क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को रैशनल भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके साथ के साथ. हाउ टू प्रिपेयर फॉर NCLEX-RN एग्जाम,
जैसे कि सोंडर्स बुक बहुत फेमस है इसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सोंडर्स बुक के पढ़ने के साथ साथ आप कौन कौन से नोट्स आप साथ में बना सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आप पढ़ सकते हैं, कौन से ऑथर को फॉलो कर सकते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन प्रिपरेशन नीड टाइम एंड डिशंस स्टार्ट प्रोसेस अलॉन्ग विद द सोंडर्स बुक रिगार्डिंग द मीन वाइल ईटीटी कम एंड सम हाउ यू ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम टाइम इनफ एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर स्कोप आपके पास क्या क्या है एंड क्लेक्स एग्जाम देने के बाद लाइसेंस जब आपके पास आ जाता है फ्यूचर स्कोप आप के पास क्या क्या है। आप फोरेंसिक मेडिसिन में जा सकते हो, आप FBI को आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास स्कोप्स होते हैं यहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैमिली मेडिसिन में जा सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो, वो चीजें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेस्ट बुक फॉर द NCLEX RN एग्जामिनेशन, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल में जाओगे तो आपको बेस्ट बुक फॉर NCLEX RN एग्जामिनेशन वो वीडियो आप लोग वहां से देख सकते हो और इसको आप जर्नी को शुरू कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज NCLEX? NCLEX है क्या है? NCLEX होता है नेशनल काउंसिल लाइसर एग्जामिनेशन, विच मीन्स कि जो ये नेशनल वर्ल्ड वाइड चलता है, ये जितने भी वर्ल्ड में कंट्रियां हैं, और जो NCLEX है वो 3 कंट्रियों में वैलिड हो चुका है, US में, कनाडा में एंड ऑस्ट्रेलिया में। अब गाइस, सेकंड क्वेश्चन ये है कि NCLEX के लिए कौन कौन एलिजिबल है। पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर NCLEX RN एग्जामिनेशन, NCLEX RN एग्जामिनेशन के लिए वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने GNM किया हुआ है, या बेसिक BSc नर्सिंग की हुई है, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की हुई है, या फिर MSc नर्सिंग की हुई है, उन्होंने नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए, वो लोग NCLEX RN के लिए एलिजिबल हैं। US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में वो लोग इस एग्जाम को देके लाइसेंस लेके वेल सेटल हो सकते हैं। अब गाइस, थर्ड क्वेश्चन ये है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर पर्पस इनिशिएशन फॉर डिग्री RN 10th 12th मार्कशीट पासपोर्ट कॉपी, कि इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या हमारा एलिजिबल क्राइटेरिया है। तो हमें सबसे पहले तो हमें 10th 12th 8th की DMC चाहिए, एंड हमारा पासपोर्ट की कॉपी चाहिए हमें इसके लिए, एंड हमारी डिग्री जो भी हमने की है, GNM किया है, BSc की है, पोस्ट बेसिक BSc MSc जो भी हमने किया है, उसकी सभी की हमें DMC चाहिए, मार्कशीट चाहिए हमें उनकी, कॉलेज से हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से चाहिए, हमारी जो लोकल PNRC है, जैसे मैंने पंजाब से की है, पंजाब नर्सिंग काउंसिल है, जो हरियाणा से HNRC है, HP से HNRC है, ऐसे हर एक स्टेट से जहां से भी आपने नर्सिंग की है उस स्टेट की आपको एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए हमें इसके लिए। ये सारा पेपर वर्क हमें कंप्लीट करना होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस जर्नी। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कंट्री एक्सेप्टिंग दिस लाइसेंस। स्टार्टिंग में तो US एंड कनाडा में ही ये लाइसेंस एलिजिबल था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको वैलिड कर दिया है पिछले 2 सालों से। सो अभी US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंट्रियों में ये लाइसेंस वैलिड है। आप जहाँ भी, जिस भी कंट्री में हो, पूरे एशिया में आप जहाँ पे बैठे हो, यूरोप में आप जहाँ पे भी बैठे हो, आप घर बैठे इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अमेरिका में आके, या इंडिया अमेरिका में आके, या कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जाके ही आपने ये एग्ज़ाम देना है। आप अपने घर पे बैठे भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो, और आप अपने, जब आप अपनी कंट्री की वेबसाइट पे, NCLEX RN की वेबसाइट पे जाओगे और अपनी कंट्री पे लोकल जो NCLEX RN एग्जामिनेशन सेंटर है उसको सर्च करोगे, तो आपको NCLEX RN एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन, एड्रेस एंड सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अपनी कंट्री के हिसाब से आप चेक कर लेना, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो मैं आप लोगों को अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। आप एनी टाइम यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी और मैसेज मी, एनी टाइम एनीवेयर। गाइस, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये है, बेसिक स्टेप क्या क्या है न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग के लिए, न्यू मैक्सिको बोर्ड ऑफ नर्सिंग के लिए। सो बेसिक स्टेप मैं फिलहाल, मैंने न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग से किया था, सो विल गो हेड विद द न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग एट दैट टाइम। न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग के लिए जैसे स्टार्टिंग में दो देर इज़ अ टू वे टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। पहला वे तो ये है कि आप NCSBN में डायरेक्ट एप्लीकेशन दे सकते हो। दूसरा स्टेप ये है कि आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफ नर्सिंग में एप्लीकेशन दे सकते हो, आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। 143 आपकी एप्लीकेशन, $143 आपकी एप्लीकेशन की फीस है, एंड 300 समथिंग NCSBN की फीस है। तो मैंने NCSBN के थ्रू अपना पेपर वर्क शुरू किया था, लेकिन
अब कुछ स्टेप कुछ अपडेट आई है इसमें इस चीज में। तो जो आज का सिनेरियो है, आज की जो सिनेरियो है, हम डायरेक्ट बोर्ड में एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो कि शॉर्ट वे है एंड जो आपके एक्सपेंडिचर है वो भी उसमें कम खर्चा आएगा आप लोगों का। तो अगर आपने न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ अमेरिका में दो ही एक ऐसी स्टेट है, न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग या न्यू मैक्सिको बोर्ड ऑफ नर्सिंग, जिसमें आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इन दो स्टेट में आप कोई भी, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, आप इन दो स्टेटों में आप फ्रेशर भी आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वंस यू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ नर्सिंग, तो आपको दो एग्जाम देने होते हैं न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग के लिए। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज चाइल्ड अब्यूज एंड माल ट्रीटमेंट नेग्लिजेंट प्रोग्राम। तो आप लोगों को ये दो एग्जाम देने होते हैं। $30-$30 इस एग्जाम की फीस है। इस एग्जाम को आप पास करोगे तो आप आगे आपका स्टेप फर्दर कैरी ऑन होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, टाइम टेकन टू टेल एटीटी, टाइम टेकन बाय बोर्ड, कि बोर्ड कितना टाइम लेता है आपका पेपर वर्क प्रोसेस करने में और एटीटी आने में, कितना गैप। सो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि टाइम टेकन बाय बोर्ड, विच मीन्स न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग, न्यूयॉर्क न्यू मैक्सिको बोर्ड ऑफ नर्सिंग, वट एवर जो भी है, कि कितना टाइम आपका बोर्ड लेगा जब आपने पेपर वर्क शुरू किया है टिल आपका, कि जब तक आपकी एटीटी नहीं आती। यूजली जो प्रोसेस होता है वो 6 to 8 month तक का होता है, बट सिक्स सम टाइम अगर रश नहीं है, जैसे आजकल कोविड चला हुआ है तो आजकल ये लोग 6 month से ऊपर ही ले रहे हैं। मेरे टाइम में 6 month ही लगा था, उस टाइम कोविड इतना नहीं था। 6 month to 8 month इसमें प्रोसेस में लगता है। 2 महीने के बाद, 6 month के बाद आपकी एटीटी आ जाती है, और जब आपकी एटीटी आ जाती है आपको 2 month की वैलिडिटी होती है एटीटी एक्सपायर होने की। तो आप लोग एग्जाम, जब आपकी एटीटी आ गई तो आप उस टाइम क्यू बैंक पे फोकस कर सकते हैं, क्यू बैंक आप पढ़ सकते हैं, विच मीन्स आपने थ्योरी नहीं पढ़नी, सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही पढ़ने हैं, जैसे कैपलैन है, मोस्बी है, और सोंड्रस है, यू वर्ल्ड है, बहुत सारी हैं ऐसी चीजें। फर्दर टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा, आप जो जो आप लोग मुझसे कनेक्ट होते रहेंगे, आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो एटीटी जिस दिन आ जाती है आपकी, आपके पास 2 महीने का टाइम होता है, आप को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी एटीटी एक्सपायर ना हो, और आप विद इन अ 2 month आप एग्जाम की डेट भी पिकअप कर सकते हैं, और अपनी लोकल सिटी में, लोकल कंट्री में, जहां पे भी आप रहते हैं। सो सेवंथ क्वेश्चन हमारा ये है, 8 category of question, कौन कौन से 8 category of question हमारे पास आते हैं फाइनल एग्जाम में। सबसे पहले तो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ केयर, उसके बाद आते हैं सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, फिर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर, फिर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी इंटीग्रेशन के ऊपर, देन उसके बाद आते हैं बेसिक कंफर्ट एंड केयर के ऊपर, देन आते हैं फार्माकोलॉजी एंटल थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से इन्होंने ये कैटेगरी बनाई हुई है NCSBN ने, कि एक एग्जाम्स पैटर्न सेटअप किया हुआ है कि इस कैटेगरी को आपने, जो ये मैंने अभी आपको बताई है 8 category of question है ना, ये कैटेगरी इन्होंने सेटअप की हुई है कि आपको हर कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम पासिंग स्कोर्स को टच करना होता है, यही विच मीन्स आपको ग्राफिकल ग्रीन लाइन को टच करना होता है, मिनिमम टू मिनिमम पासिंग स्कोर स्टैंडर्ड को मीट करना होता है हर एक क्वेश्चन कैटेगरी में, तब जाके आपका स्कोर पासिंग में आता है। अदरवाइज आपका अगर किसी एक में भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल में अगर आपका जो पासिंग स्कोर है वो बिलो स्टैंडर्ड रहा है तो आपका रिजल्ट पास नहीं आएगा, आपका रिजल्ट फेल आएगा। हर एक क्वेश्चन कैटेगरी में आपने मिनिमम टू मिनिमम पासिंग स्टैंडर्ड स्कोर को टच करना होता है, तभी आपका रिजल्ट जो है वो पासिंग में काउंट होगा। इसमें कोई परसेंटेज मैटर नहीं करती, कोई इसमें स्कोर मैटर नहीं करता, रिजल्ट सिर्फ पास या फेल ही आता है इसमें। इट डजेंट मैटर कि आपने 90 question अटेंड किए हैं या 120 question अटेंड किए हैं, वो कोई इसमें मैटर नहीं करता, बट जब तक आप इस सारी कैटेगरी में पासिंग, इस सारे क्वेश्चन कैटेगरी में पासिंग स्कोर स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया, तब तक आपका आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते रहेंगे अंटिल यू, अगर आपने उस स्कोर को पास या फेल नहीं किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितने घंटे का एग्जाम होता है, कितने मिनट की हम ब्रेक ले सकते हैं, 1 minute में हमें कितने क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, व्हाटएवर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 6 hour का एग्जाम होता है, 6 hour में से आपको 1 घंटे की ब्रेक अलाउड होती है
विच इज यूजली अप टू यू कि आपने लेनी है या नहीं लेनी है ब्रेक, है ना। और जो मिनिमम क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम क्वेश्चन 75 आते हैं जो सबको आने ही आने होते हैं, एंड जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं जब तक आप पासिंग स्टैंडर्ड या फेलिंग स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते, 265 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, 75 मिनिमम होते हैं जो सबको आने ही आने होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, तो कंप्यूटर आपका 75 टू 265 के बीच में कभी भी बंद हो सकता है, डिपेंड ऑन योर नॉलेज कि आपके पास कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन अबाउट द पासिंग क्राइटेरिया, एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन, उसमें डमी होते हैं, पासिंग स्कोर अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल। आप फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में बैठे हो, फाइनल एग्जाम में 15 क्वेश्चन आपको, 75 में से 15 क्वेश्चन आपको डमी क्वेश्चन मिलते हैं। वो डमी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत इजी होते हैं वो क्वेश्चन, लाइक जैसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम क्या क्या है उसमें से, है ना, तो उसमें से आपको मिक्स करके सिम्टम दे देंगे। कुछ सिम्टम आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के डाल देंगे, 3 सिम्टम मान लो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के डाल दिए, 1 सिम्टम आपको राइट साइड हार्ट फेलियर का डाल दिया, तो आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर का सिम्टम पिक करना है, विच इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन को डमी क्वेश्चन बोलते हैं, और ये आपके रिजल्ट में काउंट कभी नहीं होते। और ये क्वेश्चन तभी आता है आपके पास जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया तो आपको इजी क्वेश्चन आएगा, विच मीन्स डमी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजी था, मैंने बड़े अच्छे से पास कर दिया। अगर आप इस डमी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हो तो आपका रिजल्ट सीधा का सीधा फेल ही है। फिर अगर आप इस डमी क्वेश्चन को पास कर देते हो, फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिर डिफिकल्टी लेवल का, यानी कि डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका डिफिकल्टी लेवल है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, यानी कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होके आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब वो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट दैट ओल्ड टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर भी आ सकता है, डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपके ऊपर, वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे जैसे आप डिफिकल्टी लेवल को क्रॉस करते जाओगे, डिफिकल्टी लेवल वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर जो है आप करेक्ट करते जाओगे, आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम पे आके कंप्यूटर ने आपको क्या डिसीजन देना है कि यू हैव मच इनफ नॉलेज, सो आपका कंप्यूटर वहां पे बंद हो जाएगा, आपका स्कोर जो है वो पास में काउंट होगा अगर आपने डिफिकल्टी लेवल स्टैंडर्ड को मीट कर दिया है। अगर आपने डिफिकल्टी स्टैंडर्ड लेवल को मीट नहीं किया, क्वेश्चन आपने डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन गलत कर दिए, हाँ आपको एक चीज और, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है या सही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है उसका आंसर आपने गलत कर दिया, राइट। सो जब आपने गलत किया है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा आपको, तो आप समझ जाओगे कि मैंने पिछले वाला जो क्वेश्चन था, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे मिला था, उसका आंसर मैंने गलत दिया है, अभी मुझे ये इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट दैट ऑल अप्लाई क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक एंड हॉटस्पॉट। सो जो सेलेक्ट दैट ऑल टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो कि सी इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होता है कि जैसे ऑप्शन मिल गए, 6 मिल गए, 7 ऑप्शन मिल गए, 7 में से आप लोगों ने जो सेलेक्ट दैट ऑल अप्लाई है, 7 ऑप्शनों में से आपको हो सकता है 3 चूज करने पड़ सकते हैं, जो राइट है 4 चूज करने पड़ सकते हैं, हो सकता है वो 7 के साथ ही राइट आंसर हो, 7 के साथ भी आपको वो चूज करने पड़ सकते हैं। तो सिलेक्ट दैट ओल्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि उसमें से आपको राइट नंबर ऑफ आंसर निकालने होते हैं, वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। सेकंड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे फार्मा के ऊपर आपको ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर एक फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, क्वेश्चन दे दिया और वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया कि आपको एग्जैक्ट डोज ऑफ अमाउंट यहाँ पे फिल करनी है, बस उसके नीचे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो, जो आपकी जैसे 1000 ml है या 120 mg डोज है, इसको देनी है 1.5 whatever जो भी है आपके क्वेश्चन के हिसाब से, वो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वो डोज जो है वो फिल करनी होती है। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट के ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर्सनली मुझे कोई नहीं आया था, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने भी दिया है, एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं, उनके ऊपर भी कोई नहीं आता। हॉटस्पॉट के ऊपर क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है, इस साइड उन्होंने रॉन्ग दे दिए, इस साइड उन्होंने राइट दे दिए, तो आपको क्रॉस करने होते हैं वो हॉटस्पॉट,
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हाउ कर सकते हो ये ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, हाउ तो नहीं कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। एक्सप्लेन वन क्वेश्चन एंड रैशनल फ्रॉम ईच मेंशन 8 कैटेगरी। इस क्वेश्चन का आंसर, इट्स नॉट अ शॉर्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए मुझे एक पूरा पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। हर एक कैटेगरी में से एक एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा और उस क्वेश्चन के ऊपर उसका आंसर देना पड़ेगा। उसका रैशनल आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझाना पड़ेगा, किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम। आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर ऑफ दिस वीडियो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी क्वेश्चन के ऊपर बनाऊंगा, और जितनी भी ये 8 टाइप ऑफ कैटेगरी हैं इनके ऊपर नेक्स्ट वीकेंड पे या नेक्स्ट जब भी मुझे टाइम लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के ऊपर बनाऊंगा, और हर एक क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैं उस वीडियो में डालूंगा एक डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर। उस वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर रैशनल और उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन डिटेल में बताऊंगा ये वाले क्वेश्चन का आंसर। 12th क्वेश्चन ये है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम ऑनर्स बुक रिगार्डिंग अलोंग विद योर नोट्स द बुक एंड स्टार्टिंग प्रैक्टिस एनक्लेक्स एग्जाम फॉर एनक्लेक्स आरएन एग्जामिनेशन इन क्यू बैंक। तो आप कैसे इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली बुक होनी चाहिए। जिसके पास ये बुक नहीं है वो शायद इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। ये वाली बुक, इससे आपने स्टार्टिंग करनी है। सेकंड है हमारा, उसके बाद है हमारा स्ट्रेटजी। ये हमारी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के ऊपर भी मैं कभी आप लोगों को वीडियो डाल दूंगा कि स्ट्रेटजी उस चीज को बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई भी एक्स वाई जेड क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में मिल गया, जो आपने कभी टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, कभी आपने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं कोई टॉपिक के बारे में, आपको फाइनल एग्जाम में वो क्वेश्चन मिल गया। अब आपने उस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेटजी बेस पे निकालना होता है। सो, ये स्ट्रेटजी मैं कभी आप लोगों से फर्दर किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि स्ट्रेटजी बेस पे आप नॉन क्वेश्चन का आंसर राइट कैसे निकाल सकते हैं, एविडेंस प्रैक्टिस बेस, ये नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये है कि टेकिंग नोट्स। एनक्लेक्स के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, थंब रूल होते हैं, जो कि आपको दिमाग में हमेशा रखने ही रखने होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर हो गए हैं थंब रूल, एंटीबायोटिक एंटीडोट के ऊपर थंब रूल हो गए हैं, तो ऐसे ऐसे आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं ताकि आप हमेशा इनको 5 मिनट 10 मिनट दिन में एवरीडे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, जो कि आपके माइंड में परमानेंट ट्रेसिस बन जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी कैटेगरी है, जैसे मेडिकल सर्जिकल की है, एनक्लेक्स की पॉइंट है, फाउंडेशन है, एनक्लेक्स फार्मा है, साइकेट्रिक है, ओबीजी है, पीडियाट्रिक्स है, ये सारे रजिस्टर्ड, ये सारे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं एनक्लेक्स के। तो हम इस तरीके से तो इस बुक में से आप, जैसे आप इस बुक की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग, इस बुक में से काफ़ी मोटी है, पढ़ना भी काफ़ी मुश्किल है। तो आप इस बुक में से आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल की क्रीम आप इस बुक में से उठा के अपने फेयर कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओबीजी के भी ऐसे ही हैं, आप हर एक टॉपिक के, हर एक यूनिट के नोट्स इस तरीके से आप बना सकते हैं। देन स्टार्ट, जब आपका ये सारा काम हो जाता है, उसके बाद फिर आपने देन स्टार्ट प्रैक्टिस फॉर एनक्लेक्स क्वेश्चन। आपका ये सारा कुछ हो गया, स्ट्रेटजी पे आपने काम कर लिया, क्वेश्चन आंसर के ऊपर आपने, ये नोट्स आपके सारे बन चुके हैं, हर चीज़ आपकी तैयार है, आप पूरे प्रिपेयर्ड हो, थ्योरी में आपकी कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, देन आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है किस तरीके से आपने करनी है, और भी वीडियो में डालता रहूँगा। 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन के जो कैटेगरी है फाइनल एग्जाम में, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, स्ट्रेटजी बेस जिस बेस उस टाइप के क्वेश्चनों की भी मैं वीडियो डालूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो। 13th क्वेश्चन ये है हमारा कि एक्सप्लेन प्रिपरेशन नीड टाइम एंड पेशेंस स्टार्ट प्रोसेस अलोंग विद द सोंडर्स बुक रिगार्डिंग मीनवाइल एटीटी कम। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको जब तक फुली कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मेरी थ्योरी में अभी कोई कमी नहीं है, कोई टॉपिक आपका मिस नहीं है, आपकी हर यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तब तक आपको
प्रैक्टिस 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 करते रहना है, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस एवरीडे। आप टारगेट सेट कर लेना, आपको 50 क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ आपको 50 क्वेश्चन डेली के करने ही करने हैं। आप इस तरीके से आपको, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन आपने टारगेट रखा है एवरीडे का, 50 क्वेश्चन के हिसाब से 50 × 30, सो अगर आप टारगेट सेट करते हैं 50 क्वेश्चन इन अ डे, 50 × 30, ये 1500 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो 1500 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 6 मंथ का आपका टोटल प्रोसेस का टाइम है, पेपर वर्क का टाइम है, तो 9000 क्वेश्चन आपके बनेंगे इस हिसाब से। चलो आपने 1000 क्वेश्चन कम भी पढ़े, 8000 क्वेश्चन आपके मच इनफ हैं, मोर देन मच इनफ हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये गारंटी है मेरी, ये दावा है मेरा 110%। 8000 क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप आज से ही, अभी से ही 50 क्वेश्चन इन अ डे आप टारगेट सेट कर लो। जब तक आपकी ATT नहीं आती, आप जब तक एग्जाम की डेट पिकअप नहीं करते, आपके तब तक 8000-9000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप हर टाइप के क्वेश्चन आंसर में से निकल चुके होंगे। आपका लेवल, IQ लेवल बहुत ऊपर जा चुका होगा और आपका एग्जाम पासिंग स्कोर पास है, आई गारंटेड यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आर बेसिकली ऑन प्रायोरिटी एंड बेस्ड स्किल। क्वेश्चन का आंसर मैं यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आते हैं प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी आपको क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो भी थ्योरी बेस्ड मिलेगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, वो डमी है क्वेश्चन। उसको आप ये मत सोचो कि ये इतना इजी क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर मैंने ठीक कर दिया और मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे वाले क्वेश्चन डमी होते हैं, डमी क्वेश्चन होते हैं, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इट। तो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, 99% क्वेश्चन आते हैं जो आते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्किल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा आपने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन और स्किल बेस्ड क्वेश्चन पे काम करना है। इन क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने इन क्वेश्चनों की। 15 क्वेश्चन हमारा ये है कि फर्दर स्कोप इन डिफरेंट नर्सिंग ब्रांच आफ्टर टेकिंग NCLEX लाइसेंस। जब आपको NCLEX RN का एग्जाम देने के बाद लाइसेंस मिल जाता है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल 1000 ऑप्शंस होते हैं। कि जरूरी नहीं है कि आपने बेड साइड जाके ही पेशेंट केयर करनी है, इंजेक्शन लगाने हैं, हेल्थ टीचिंग, पेशेंट टीचिंग देनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन टू डू योर बेस्ट इन ईच फील्ड, राइट। तो आप फोरेंसिक मेडिसिन में जा सकते हो, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में जा सकते हो, आप मेडिकल इक्विपमेंट सेल्स रिप्रेजेंटेशन में जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, आप कुछ भी किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो। आप FBI के साथ काम कर सकते हो, क्राइम ब्रांच वालों के साथ काम कर सकते हो, आप शरीफ के साथ काम कर सकते हो, राइट। आप आर्मी में काम कर सकते हो, आर्मी नर्स बन सकते हो, बहुत सारे होते हैं। रेलवे में आप काम कर सकते हो, एयर होस्टेज जो एयर नर्स होती है वो आप बन सकते हो। जैसे इमरजेंसी, यहाँ पे अमेरिका में रूल होता है जैसे 30 माइल से ज़्यादा अगर हॉस्पिटल के डिस्टेंस है तो आपको बाय एयर आपको ले लिया जाता है, तो आपको एम्बुलेंस लेने नहीं आती, तो आपको एरोप्लेन लेने आता है यहाँ पे, राइट। तो आप एरोप्लेन नर्स बन सकते हो, राइट। तो तरीके से बहुत 1000 सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास जब आपको लाइसेंस मिल जाता है। आप फैमिली मेडिसिन में जा सकते हो, जेनेटिक मेडिसिन में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और अमेरिका में ये भी होता है कि आप RN के बाद डॉक्टरेट में भी जा सकते हो, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, सर्जन भी बन सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे MBBS होती नहीं है, मेडिकेट डॉक्टरेट होते हैं यहाँ पे, तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हो। जिन लोगों का डॉक्टर बनने का सपना है तो RN के बाद आप यहाँ पे डॉक्टर भी बन सकते हो। 16 क्वेश्चन हमारा ये है, एक्सप्लेन अबाउट वेजेस पर आवर, ऑल्सो एक्सप्लेन वेजेस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सो लुक, अमेरिका में ऐसे होता है कि हर स्टेट के अलग अलग वेजेस होते हैं, हर स्टेट अलग अलग जो है पर आवर आपको अमाउंट देती है। बट जो बेसिक सैलरी है RN की वो $30 से स्टार्ट होती है, चाहे स्टेट कोई भी हो। $30 पर आवर आपकी बेसिक सैलरी है जो आपको मिलनी ही मिलनी है, फिक्स है ये गवर्नमेंट की तरफ से। अब टोटली डिपेंड करता है आप, सेकेंडली चीज़ आपके पास ये डिपेंड करता है कि आप रह कहाँ पे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैलिफोर्निया साइड रह रहे हो, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंडिचर काफ़ी महंगा है कैलिफोर्निया में। लॉस एंजलस, लॉस वेगस वाली साइड रहते हो तो सिटी काफ़ी महंगी है, तो वहाँ पे आपको $5 मिल जाता है।
आप सिनसिनेटी ईस्ट साइड रहते हो, साउथ और वेस्ट साइड रहते हो, तो ये वाले एरिया जो है इस साइड ये थोड़े चीपर हैं रहने के लिए, ठीक है। जैसे मैं सिनसिनेटी में पर्सनली रहता हूँ, सिनसिनेटी ओहायो का एक पार्ट है, सिटी है, बिग सिटी है, स्मार्ट सिटी, तो यहाँ पे जो बेसिक वेजेस हैं वो $30 से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी छोटा सा कोई कोर्स कर लिया, जैसे मैंने अभी रोबोटिक सर्जरी में किया है, तो अभी उसके बाद आपको $10 पर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन होता जाता है, तो $40, $45 आप इजीली अर्न कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आप आर एन करने के बाद आपने अगर कोई भी छोटा सा कोर्स कर लिया उसके बाद, जैसे मैंने रोबोटिक सर्जरी में किया है ना, तो उस चीज़ के आपको एडिशनल पे मिलती है। बेसिकली आपको $30 से स्टार्टिंग हो जाती है किसी भी स्टेट में आप जाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ट बुक फॉर एनक्लेक्स आर एन एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बेस्ट बुक फॉर एनक्लेक्स आर एन एग्जामिनेशन के ऊपर। आप मेरे चैनल में जाओगे तो आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी और आप लोग कोई भी बुक उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड वेट फॉर माय लाइव वीडियो लाइव कॉल सेशन विद यू गाइस, सो डायरेक्टली आई कैन आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली फेस टू फेस रादर देन ऑन कमेंटिंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अर्लियर, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑफ यू, लव यू ऑल। Still, if you have any doubt, screen पे दिए हुआ मेरा फोन नंबर एंड मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे कभी भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आप कर सकते हैं मुझसे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलेज में फैला दो, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने ग्रुप में डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे इंडियन स्टूडेंट, एशियन स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल टाइम, लव यू ऑल।